कल होली है तो दही बड़ा तो बनना ही चाहिए, क्या बोलते हैं? ज़्यादातर लोग दही बड़ा बहुत ज़्यादा पसंद से खाते हैं, तो मैंने सोचा कि एक दिन पहले ही दही बड़ा बना के रख देती हूँ ताकि थोड़ा काम जो है वो कम हो जाए, क्योंकि घर में पकवान तो बनते ही हैं, होली मतलब घर में बहुत सारे पकवान बनते हैं। तो मैंने सिंपली उड़द की दाल को पीस के उसमें हरी मिर्च और नमक, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाला है और अदरक डाल के अच्छे से मिलाया है, और मिला के बस इसे मैंने पहले तो बड़ा के साइज़ का बनाने की कोशिश की, बट उतना मतलब डिफ़िकल्ट लग रहा था, तो मैंने फिर गोल गोल अपने बिहारी स्टाइल में आ गई मैं बनाने। तो बस मैंने बनाया और इसे मीडियम से टू लो फ्लेम पे पकाना पड़ता है काफ़ी टाइम लेके, ताकि अंदर कच्चा ना रह जाए। और बस हमारे बड़े बहुत ही अच्छे से ऊपर आ जा रहे थे, इससे साफ पता चल रहा था कि ये बहुत अच्छे से फेटे गए हैं दाल और अच्छा बना है बड़ा। उसके बाद मैंने सिंपली सारा पानी निचोड़ लिया। मैंने पानी में, बाय द वे, मैंने जिस पानी में इसे डिप किया था उसमें मैंने नमक और लाल मिर्च पाउडर डाला था गर्म पानी में, उसके बाद मैंने डिप किया था। थोड़ी देर के बाद जब वो सोख लेता है पानी को, देन उसका सारा पानी हल्के हाथों से निचोड़ के हम लोग एक साइड में रख लेंगे, और दही में मैंने थोड़ा सा नमक और चीनी फेंट के उसके बाद इसे ऐसे डिप कर करके मैं दही बड़े अपने निकाल रही हूँ। बाकी जो प्लेटिंग होगी वो जब खाया जाएगा, जब निकालेगा आदमी, देन ऊपर से जो प्लेटिंग किया जाएगा वो तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो मेरा दही बड़ा ऑलमोस्ट कंप्लीट है, मैं इसे ऐसे रख दूंगी फ्रिज में, बाकी कल इसे खाएंगे और आपको बताएंगे ये कैसा बना है। मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। और आज होली है तो आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये होली इसी तरह रंग बिरंगे रंग हम लोगों की ज़िंदगी में भरते रहे और सबकी अच्छे अच्छे विशेष पूरी हो। तो इसी अच्छे थॉट के साथ आज दिन की शुरुआत करते हैं। मैंने पूजा कर लिया है, बगल वाली भाभी ने थोड़ा गुलाल भी लगा दिया, देखा कि मैं पूजा कर रही थी। तो बस दिन की शुरुआत हो चुकी है। मैं भी टेरिस पे आई हुई हूँ, कपड़ा डालने मैंने धो लिया है, तो मैं पहले कपड़ा अच्छे से डालूंगी, उसके बाद बाल वगैरह थोड़ा ठीक करूंगी, फिर चाय पियेंगे हम लोग। पूजा तो हो चुकी है मेरी, तो चाय जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है दिन की शुरुआत में, मुझे मॉर्निंग में चाय चाहिए ही, तो पहले चाय पियेंगे उसके बाद घर के कामों में लगेंगे, है ना। खुद भी पियेंगे, हबी को भी पिलाएंगे, वो अभी सोए हुए हैं। और आज का मौसम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ है, मतलब अभी तक धूप उप नहीं निकला है, हल्की हल्की हवा चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही रहे पूरा दिन तो अच्छी बात है। तो बस होली है आज, होप करते हैं कि सबकी होली अच्छी होगी, रंग बिरंगी होगी, और इसी थॉट से दिन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए सबसे पहले काम कर ले, क्योंकि ब्लॉग बनाने के चक्कर में कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ जाता है या फिर गड़बड़ हो जाता है, तो हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि बहुत सारे पकवान भी आज के दिन बनाने रहते हैं। तो चलिए फटाफट से काम करते हैं, पहले कपड़ा वपड़ा डाल लिया जाए, है ना। पहले मैंने सोचा कि एक बार अपडेट दे देते हैं, जब मॉर्निंग हो गई है, उठ चुकी हूँ, तो एक बार अपडेट दे देती हूँ, तो इसलिए। तो चलिए, तैयारी कर रही हूँ, बैटर बना रही हूँ, और ये चीनी और इलायची मैंने पीस लिया, इसमें ऐड करूँगी मैं यहाँ पे पुआ का बैटर रेडी कर रही हूँ। पुआ की रेसिपी मैंने पहले भी एक दो बार डाल चुकी है शॉर्ट्स वीडियो में भी, और ब्लॉग में भी मैंने पिछले साल शायद होली में दिखाया था, तो आप वहाँ चेक कर सकते हैं। और ये मेरा पुआ रेडी हो चुका है, मैंने आटे को गूंध के पूरी के लिए पेड़ा काट लिया है, मैं अब पूड़ियाँ भी बनाऊँगी फटाफट। और ये मेरा मटर पनीर का जो ज़्यादा सारा तैयारी है वो रेडी है। ये आलू मटर की सब्ज़ी मैंने एक साइड बना के रख दी है, क्योंकि हबी पनीर नहीं खाते हैं। और बस मेरी पूड़ियाँ भी फ्राई हो रही है, मटर पनीर भी बन चुका है, पुआ भी बन चुका है, आलू मटर की सब्ज़ी भी रेडी है, तो ऑलमोस्ट खाना कंप्लीटेड है, खाना रेडी हो चुका है। वो गाइस ये देखिए, मैंने मटर पनीर बनाया एकदम लजीज सा खुद के लिए, मुझे मटर पनीर बहुत ज़्यादा। बना हमारा फूड कस्टर्ड, मैं बहुत ज़्यादा फैन नहीं हूँ फूड कस्टर्ड की, बट हाँ मैंने आज के दिन बना दिया कि चलो बना देते हैं यार, किसी को देना होना हुआ, कोई आया गया, तो इसलिए बहुत अच्छा भी लग रहा है, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन लग रहा है। तो बस इसे मैं फ्रीज में रखती हूँ अभी, ताकि थोड़ा सेट हो जाए, है ना, अभी थोड़ा गर्म है। ये हमारा रेडी है, इसको हटा देते हैं भाई। पहले मेरा खाना ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है और अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खाया है, ट्रस्ट मी। और ये देखिए, ये मेरे बेटे का हालत, इसने गुलाल को
क्या किया है, निकाल के फ्रिज में डाल दिया है और गिर गया है। मैं क्या बोलूँ इसको। और अभी मैं खाने वाली हूँ हमारे दही बड़े, जी हाँ, और कुछ मैं देने वाली भी हूँ नीचे भाभी को। तो सबसे पहले मैं अपने लिए निकालती हूँ, पहले टेस्ट तो करूँ कि कैसा बना है, और साथ साथ में लेयरिंग भी दिखाती हूँ इसकी। इसमें मैंने एक चीज़ नहीं डाली है और वो है इमली की चटनी, जो मैं घर पे तो बना नहीं सकती थी, इतनी शॉर्ट टाइम पे मैंने बनाया नहीं पड़ा तो, बट मैं बाहर से भी लाना भूल गई, तो आई एम सो सॉरी, क्या कर सकते हैं। अब फिलहाल मैं इसकी लेयरिंग आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे तीन दही बड़े लिए हैं, मैं एक दो पीस खाऊंगी, एक बेटा के लिए लिया है। मैंने ऊपर से थोड़ा सा दही और पूर कर दिया है, और जैसे कि मैंने बोला कि मेरे पास इमली की चटनी नहीं है, बट हाँ ये मैंने धनिया पत्ता की जो चटनी है वो मैंने घर पे बनाई है। सिंपली धनिया पत्ता की चटनी तो सबको बनाने आती है, और क्या। और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे ये काला नमक, ऊपर से जाएगा। मैंने तो ऐसे बड़े में नमक डाला है, थोड़ा दही में भी डाला है, लेकिन हाँ ऊपर से थोड़ा काला नमक, टेस्ट अच्छा लगता है। और ये रहा हमारा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे। और लास्ट में जो जाएगा वो है ये भुजिया। ओ माय गॉड, ये मैंने बनाया है। मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि ये मैंने मतलब घर पे बनाया है। कितना टेस्टी लग रहा है यार, यम यम यम, बहुत ज़्यादा। दही बड़ा कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, एकदम डिलीशियस। अब खा के मैं आपको इसको टेस्ट बताती हूँ कि कैसा बना हुआ है। तो कपड़ा डालो, बिना कपड़ा के नहीं आते ऐसे। तो खा के मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू देती हूँ, फर्स्ट टाइम है, पता नहीं कैसा बना है, आई डोंट नो, बट ठीक है ट्राई करते हैं। यम, ओह माय गॉड, ये मैंने बनाया है, ट्रस्ट मी, ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी बना है। मैंने ऐसा पार्टियों में खाया है, अब आप सोच रहे होंगे अपनी मुंह में या मिट्टू तो सभी बनते हैं, बट ट्रस्ट मी, मैंने जिस तरीके से बनाया है, अगर आप उस तरीके से बनाते हो तो बिल्कुल वैसा ही स्वाद आता है। मैंने कोई वीडियोस नहीं देखा है, ये मैंने खुद से ऐसी बनाया हुआ है रेसिपी, मैंने किसी की कॉपी नहीं की, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है यार। यम, मुझे नहीं पता इसमें चटनी की कमी महसूस हो रही है इमली की कि नहीं, बट आई थिंक वो रहता तो और ज़्यादा बेहतर होता, बट वो नहीं है, फिर भी उसकी कमी महसूस नहीं हो रही है। ट्रस्ट मी गाइस, अगर आपको भी दही बड़ा बनाना बहुत ज़्यादा टफ लगता है तो आप एक बार इस तरीके से बनाइएगा, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बना है यार, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं इसे खाती हूँ, एक बजने वाले हैं, मैंने अभी तो कुछ भी नहीं खाया है, खाना बनाने में ही लगी हुई थी, तो कम से कम दही बड़ा तो खाना बनता है ना, तो मैं इसे फटाफट से इंजॉय करती हूँ। बाय द वे मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखो दिख रहा है, जी हाँ, मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, कुछ चीज़ें लाने जानी थी, मैं बाहर गई, बाहर होली का माहौल है, बस रोड पे इधर उधर पी पा के सब रंग खेल रहे हैं, मैं गाड़ी लेके गई और अचानक से रोड पे दो लोग आ गए, और मैंने जैसे ही अपना हैंडल घुमाया वो स्लिप कर गया, और बस ये तोहफा मिल गया मुझे। चोट लगी बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे दुख रहा था उस वक्त मॉर्निंग में ही, बट मैंने इस दर्द को साइड किया, फेस्टिवल है ऑब्वियसली तो मुँह बना के नहीं बैठ सकते, तो क्या है, तो बस हंसते हुए काम पे लग गए। और अभी जब सुकून मिला है तो ये वापस से मुझे दर्द कर रहा है यार, फिर से पेन होना स्टार्ट कर दिया है, तो मैं इसलिए इधर ध्यान नहीं दे रही थी। फिलहाल मैं आपसे मिलती हूँ ये खाने के बाद, पता नहीं कुछ खाऊंगी कि नहीं, क्योंकि मेरा अभी बिल्कुल भी मन नहीं है कुछ खाने का यार। तो फिलहाल दही बड़ा इंजॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है, मस्त लग रहा है ना। ये चाट है, मैं भी या चाट ही है, कंफ्यूज इसलिए थी क्योंकि ये जो चाट है वो नीचे से भाभी ने मुझे भेजा है, मैंने उनको बहुत सारी चीज़ें दी थी, तो बस उन्होंने रिटर्न बर्तन खाली नहीं दिया जाता है बोला जाता है, तो उन्होंने शायद चाट बनाया था तो वही दिया है। और देखिए, और भी फ्रूट कस्टर्ड आया, फ्रूट कस्टर्ड तो मैंने भी बनाया है यार। तो उन्होंने भी भेज दिया, चलो ये ज़्यादा नहीं है, तो
ये खा लेगा बेटा, कोई इशू नहीं है। तो बस अभी हम पापड़ी चाट खत्म कर लेते हैं क्योंकि फिर वो बाद में सौगी हो जाएगा, इसे तो मैं फ्रीज में रख देती हूँ। ऑलरेडी हम लोगों के यहाँ भी बना हुआ है फूड कस्टर्ड, बट ठीक है आ गया तो ये भी यूज हो ही जाएगा, है ना। तो पहले चलते हैं पापड़ी चाट खाते हैं कैसा, देख के तो बहुत ही ज्यादा अच्छा और टेस्टी लग रहा है, पता नहीं कैसा बना है। खाओगे ये पापड़ी चाट? खाओगे? नहीं। मैं तो खाने वाली हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। देखिए देख के बहुत ही ज्यादा मुझे अच्छा लग रहा है, आई होप टेस्ट भी अच्छा हो। खाया गया। यम, बहुत अच्छा बनाया, थैंक यू भाभी, बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनाया है आपने, एकदम मार्केट जैसा फील हो रहा है। नहीं, तुम खाओ। इतना आइटम बनाए भाई, इसको चॉकलेट खाना है, मुझे खाना नहीं है, मेरा लंच हो गया, दही बड़ा खा लिया मैंने, पापड़ी चाट खा लिया, अब कुछ नहीं खाने वाली हूँ मैं। सुबह से उठी हुई हूँ, एक तो चोट लग गई, अब मैं 1 घंटे के लिए रेस्ट करूँगी, उसके बाद उठ के रेडी होंगे अबीर खेलने के लिए गुलाल। आप लोगों का भी होली आई होप अच्छा ही जा रहा होगा, और अच्छा जाना ही चाहिए यार, सब अच्छे से इंजॉय करो और खाओ पियो, क्योंकि मेरे ख्याल से होली खाने का त्यौहार है, रंगों से ज्यादा खाने का त्यौहार है होली, खाते और इंजॉय करते हैं, है ना। मुझे आ गया, मजा आ गया। गुड इवनिंग एवरीवन, हम लोग रेडी हो चुके हैं, मैंने सिंपल सा एक ऊपर का फ्रॉक टाइप पहना हुआ है और कुछ भी नहीं, चलते हैं बेटा को अबीर लगाते हैं सबसे पहले, है ना। चलिए मम्मा का पैर भी लगाते हैं, चलो ये लो थोड़ा सा, दोनों में से मम्मा का पैर खुश रहो बेटा, खुश रहो, हैप्पी होली सुनो, मम्मा को भी लगा दो गाल में, थोड़ा थोड़ा लगा ना, जरा टीका नहीं गाल में, गाल में हाँ तो रंग ही है ना, मजा। और अब हम लोग थोड़ा सा ये ड्राई फ्रूट्स खिलाते हैं गुलाल लगाने के बाद, तो मेरे बेटे को बहुत नखरा है, वो ना काजू खाएगा ना किशमिश खाएगा, वो सिर्फ खाएगा ये सूखा जो नारियल होता है वो खाएगा, उसे सिर्फ यही पसंद है ना, और कुछ नहीं। उसको तो अगर किशमिश कहीं दिख भी जाए ना, या फिर खीर में या फिर किसी भी जगह, तो ऐसे चुपके से उठा कर फेंकता है ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बस उसके लिए मैंने अलग से गरी निकाल के उसको खिला दिया है, और खाओगे हो गया। अगल बगल में जो अभी लगता है उनको लगाने देते हैं, पूरा हाथ लाल लाल कुछ है, तो जाते हैं, मेरा बेटा पहले ही निकल चुका है देखने के, जाते हैं जिसे पूरी चलो। मुकेट माही फेस, इतनी अच्छे से रेडी हुई थी मैं, और अभी पूरा गुलाल खेल के फेस का हालत खराब हो चुका है, बेटा का भी हालत खराब है, पूरा ड्रेस भी ऐसे कलर कलर, बट प्लस पॉइंट ये है कि हम लोगों ने जो भी गुलाल मतलब यूज़ किया है वो बहुत नेचुरल है, आरा रोड से यूज़ किया हुआ गुलाल है, तो आप इस पानी के कॉन्टेक्ट में जाते ही एकदम वॉश हो जा रहा है, अच्छे से पूरा क्लीन हो जा रहा है, तो दिक्कत की कोई बात नहीं है, बहुत नेचुरल है गुलाल और कोई परेशानी नहीं है। तो चलिए होली है आज के दिन, तो लगेगा ही, और बेटा इसको देखिए ये तो भूत बन चुका है, मजा आया खेल के, लेकिन पिचकारी में अभी पिचकारी वाला तो मॉर्निंग में खेल लिया, अभी ऐसे ही खेला जाता है, फेस तो देखो तुम अपना, तो पिचकारी में रंग नहीं, वो तो मॉर्निंग में जो खेले बस वही खेला जाता है, अभी शाम को गुलाल खेला जाता है, तो बस पता ही नहीं चल रहा है सिंदूर कहाँ है गुलाल कहाँ है, पूरा भर चुका है एकदम, बट ठीक है यार, एक दिन का तो बात है, एक दिन तो खेलना ही चाहिए, है कि नहीं, क्या बोलते हैं। तो बस हम लोगों ने
पूरा बाल वाल भी पीला पीला हो गया। तो अभी थोड़ा बाहर निकलना है, निकलते हैं हम लोग, उसके बाद मैं उधर से रिटर्न आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। मैं जहाँ आई थी वहाँ पे हम लोगों ने अबीर वगैरह सब अच्छे से खेल लिया। मैंने एक बार पोज भी लिया था, फिर लग गया, क्या कर सकते हैं। तो बस कुछ ऐसी रही हम लोगों की होली, बहुत ज़्यादा अच्छी। थोड़ी ख़राब हो गई थी एक्सीडेंट की वजह से, बट कोई नहीं, क्या कर सकते हैं, इतनी खुशी है तो थोड़ी बहुत तकलीफ़ को अवॉइड करना चाहिए, है ना। मुझे पेन तो हो रहा है और अब रिलैक्स हो गया तो मे बी और ज़्यादा पेन होगा, बट ठीक है, ज़िंदगी ऐसी छोटी मोटी चोटें लगती रहती है, उतना टेंशन नहीं लेना चाहिए, है ना। तो होपफुली आप लोगों की होली बहुत अच्छी हुई होगी। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी होली, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।